अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे ठीक हैं। तो इस टाइम आप देख रहे हैं मलिक अनीस व्लॉग्स। तो अभी ये जो पैरेट हैं इनका अभी ब्रीडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि अभी ये सीज़न है ब्रीडिंग का। तो इसके लिए कौन कौन से दाने इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन कौन सी खुराक इनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी मेरे पास ये चीज़ देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन तोते जो ठहरे हुए हैं, ये अभी इन्होंने अभी अंडे भी दिए हैं। और इनके लिए कौन कौन सी खुराक यूज़ की जाती है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग भी इस्तेमाल कर सकें। ये जी मेरे पास 8-10 किस्म के इनके खाने वगैरह पड़े हुए हैं। ये देख सकते हैं, ये छोटा बाजरा है, छोटा सा बाजरा, ठीक है। फिर इसके अलावा ये छोटे छोटे चलकोजे किस्म के ये होते हैं बीज। ये जी बीज भी आप देख सकते हैं, इनको मैं खोल के भी आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये जी ये देख सकते हैं बीज। और इसके अलावा 2-3 किस्म की दालें वगैरह भी हैं, ये देख सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की दालें वगैरह। और भी मेरे पास यहाँ पे ये बाल्टियों में भी दाने पड़े हुए हैं, एक कम से कम 10 किस्म के इनके लिए खाने में लाया हूँ, जो इनको वक्तन फवक्तन ये खुराकें दी जाती हैं। और इसके अलावा और इनको सुबह अंडा भी दिया जाता है, ताकि ये अपने आप को भी महफूज कर सकें, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम आ रहा है, तो सर्दी के मौसम में इनकी ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कर सकें, क्योंकि अभी ये इनका सीज़न है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको और चीज़ें भी शेयर करूँगा।